हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया प्रोडक्ट जिसको हमने ऑर्डर किया था अमेज़न से। तो ये जो प्रोडक्ट आपने देखा होगा, ये वेबसाइट्स और न्यूज आर्टिकल्स में भी आया था। ये है कारवा का मेनी रेडियो जिसको लॉन्च किया था सारे कारवा कंपनी ने। तो आज हम इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और उसके अंदर क्या गाने आते हैं जिसके लिए फेमस है। तो इसके दो वर्जन आते हैं, एक तो आता है कारवा मिनी जो अभी मेरे पास है, और एक इसका आता है कारवा का बड़ा वाला जो साइज में बड़ा होता है। तो हमने इसको इसका लेने का रीजन यही था छोटे वाले का, कि ये पोर्टेबल होता है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं बैग वगैरह में रख के, बट जिसके बड़े साइज का होता है उसको कैरी करना ईजी नहीं होता। तो इसलिए हमने छोटा परचेज किया था। इसका अमेजन में जो भी प्राइस चल रहा है वो 2100 रुपीज समथिंग चल रहा है, जो हमें डिस्काउंट वगैरह कुछ कुछ करके 1950 रुपीज का पड़ा, 1950 रुपीज का। तो इसको हम आपको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या फीचर्स हैं, और आपको गाने से लेकर सब कुछ को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैं बाहर से दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो हमारे, आपको मैं दिखाऊं तो इसमें 351 सुपर हिट रेट्रो हिंदी सॉन्ग्स है जो आपके फेमस आपने सुने होंगे। इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं और उसकी क्वालिटी कैसी होती है वो भी आपको दिखाऊंगा। और बैक साइड में आपको दिखाऊं तो इसमें 6 मंथ्स की वारंटी आती है बस, इसमें कोई एक साल वगैरह की वारंटी नहीं है। और ये इसमें ब्लूटूथ से यूएसबी से आप इसको चला सकते हैं, इसमें कोई इंटरनेट नहीं चाहता क्योंकि इसमें प्री लोडेड गाने आपके होते हैं जो आपको मैंने पहले भी यहाँ पे दिखाया। 351 सुपर हिट्स आपके हिंदी सॉन्ग्स आते हैं ओल्ड वाले। तो ये इस तरीके से कुछ बॉक्स है, बॉक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब इसको ओपन करते हैं। इस तरीके से बॉक्स है, आपको बॉक्स के अंदर भी दिखाते हैं क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये रेडियो रखा हुआ है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। एक तो इसके अंदर ये रेडियो है और इसके अंदर आप देखें तो मुझे एक बस कनेक्टिंग वायर दिख रही है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं आप, तो एक मिलता है आपको कारवा का मिनी ये रेडियो जो ऐसा है, और ये मिलता है चार्जिंग केबल। तो चार्जिंग केबल तो आप अपने अडेप्टर के साथ लगा सकते हैं, जो 5 वॉट का आपका मोबाइल का अडेप्टर होता है चार्जिंग वाला, उससे आप कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में और इसको भी करते हैं बॉक्स को बंद यहाँ पे, और इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो आप देखें तो लुक वाइज तो मुझे फर्स्ट में लुक में ही बहुत पसंद आया था जब मैंने इसको वेबसाइट पे भी देखा था, और इसका देखें तो आप कितना ग्लॉसी इफेक्ट है। और इसमें आप देखें तो आप लेजेंड्स की फोटो भी दे रखी है, अगर आप इनको रिकॉग्नाइज कर पाएं तो आप खुद देख सकते हैं किस किस की फोटोज है। आपको पास ला के दिखाऊं तो इसका बहुत अच्छा प्रीमियम लुक है, इसका डिजाइन देखें तो बहुत अच्छा है। आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये सारे इसमें सारे कमा का यहाँ पे फीचर है, जिसमें आप इसको प्रेस करेंगे तो ओल्ड सॉन्ग्स बजते हैं। यहाँ पे FM और रेडियो का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लूटूथ से आप अपने गाने जो फोन के होते हैं वो भी चला सकते हैं। और इससे किसी बैक साइड देखें तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है और यहाँ पे इसकी ग्रिपिंग देखिए ताकि स्टैंड होके खड़ा हो सके, बैलेंस होके। दूसरी साइड से करें तो आप यहाँ पे आपका ईयरफोन जैक भी देखा, आप ईयरफोन लगा के भी गाने सुन सकते हैं। और बैक साइड में देखें तो कारवा मिनी के यहाँ पे आपका एक मिल जाता है चार्जिंग इंडिकेटर वाला, ये आपका चार्जिंग पोर्ट है जहाँ पे आपको चार्जिंग लगाता है। ये ऑक्सीन है, अगर आप अपने मोबाइल फोन या किसी डिवाइस से गाने चलाना चाहते हैं तो आप उस केबल को अपने डिवाइस में कनेक्ट करके ऑक्स के केबल यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो लास्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है ये है USB का, आप अपनी पेन ड्राइव से भी इसमें गाने चला सकते हैं। और ये है रीसेट का ऑप्शन, तो रीसेट से अगर आप कल को डिवाइस आपका हैंग हो जाए या कुछ आप वर्क ना कर रहा हो तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे। और बात करें ऊपर की साइड से तो ऊपर की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये है स्विच ऑन ऑफ करने का, ये वॉल्यूम इंक्रीज करने का, ये वॉल्यूम डिक्रीज करने का, ये आपका मिल जाता है आपका नेक्स्ट करने का, ये प्रीवियस करने का, और ये है पॉज या प्ले का बटन। तो इस तरीके से आपका ये होता है। अगर आपको मैं पास ला के और दिखाऊं थोड़ा क्लियरिटी तो आपको दिख जाएगा फ्रंट का ऐसा है, बैक साइड की बात करें तो लुक इसका ऐसा है। साइड में देखें तो इस तरीके से फीचर है, और साइड इस साइड से देखें तो आपको ये बटन्स मिल जाते हैं और टॉप साइड से आपको ये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से, तो चलिए अब इसको करते हैं ऑन। तो आप जब ऑन करेंगे तो फर्स्ट बीप चलेगी, तो आप देखें तो यहाँ पे ऑन हो गया है। तो इसकी मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग्स में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी लाइट ग्लो करना शुरू कर जाएगी। तो ये अभी ओल्ड सॉन्ग्स बच रहे हैं, तो इस तरीके से आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। वॉल्यूम आपको कर नहीं पाऊंगा, तो आप देखें तो इस तरीके से है, वॉल्यूम आपको कर नहीं पाऊंगा। वॉल्यूम के लिए आपको मैं दूसरे गाने प्ले करके दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको मैं आप दूसरा दिखाता हूं। तो अगर आप यहाँ पे FM और AM वाले को करेंगे कनेक्ट तो आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बैक साइड से इसका एंटीना निकालना पड़ेगा, मैं एंटीना निकालता हूं। तो इस तरीके से है, अब मैं इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाता हूँ। तो
तो आप देख पाए तो इसकी जो वॉल्यूम है बहुत लाउड है। मैं अभी गाने इसलिए पॉज करना चेंज करना पड़ जा रहा है रेडियो में, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। अगर आपको चलाना तो आप चला सकते हैं, बाकी आपको आवाज़ मैं दूसरे गानों की चला के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपको अगर ट्यून करने चैनल पर यहाँ पर प्रेस कीजिए तो आपके चल जाएंगे, उस तरीके से आप चैनल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका है ब्लूटूथ का, तो उसको कनेक्ट करते हैं अब। तो ब्लूटूथ के लिए इसको एंटीना को करते हैं बंद और ये आ गया। अब ब्लूटूथ वाला मैंने सिस्टम तो ऑन कर दिया, इसके लिए अब मुझे दूसरा फ़ोन चाहिए जिससे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें हम गाने चलाते हैं। तो यहाँ से लाइट ऑन हो चुकी है ब्लूटूथ की, अब मैं फ़ोन के में जाता हूँ। अगर आप फ़ोन में देखें तो आपको यहाँ पे जाना है ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ में जाके आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इस तरीके से गाता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने से वो आपको डिवाइस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 को सर्च कर पा रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें तो पेयरिंग के लिए आ रहा है अभी। तो आप देखें तो कनेक्टेड दिखा रहे हैं डिवाइस, और यहाँ से भी आप बुक इससे कनेक्ट हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा, अगर लाइट करूँ। यस, तो अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, नीचे रख देता हूँ, और आपको इसके यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको आवाज़ भी आ जाए थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब में और आपको कोई गाना प्ले करके दिखाता हूँ जिससे कॉपीराइट ना आए। तो इसमें गए और मैं आपको NCS का ही म्यूज़िक चलाता हूँ प्ले करके। तो मैं इसको लाउड कर देता हूँ और आप खुद जज कर लीजिएगा, और प्लीज़ ईयरफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी का आइडिया लग जाए। इस तरीके से आप यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अब आवाज़ को कम करता हूँ तो इसकी मिनिमम आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे इतनी है, और अब इसको मैं लाउड करूँ तो आप पूरी फुल वॉल्यूम में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैं, आपका एक और बेनिफिट है, अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो आप मूवी का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप फोन पे कोई मूवी देखते हो और आपको उसकी आवाज़ कम लग रही है फोन पे, तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी अपना ही कोई वीडियो प्ले करता हूँ अपने चैनल का, आपका गूगल का। तो अपने चैनल में जाके मैं कोई वीडियो प्ले करके देखता हूँ अभी। तो जैसे अभी हमने रिसेंटली डाला था लिनोवो के लैपटॉप का, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जाके जरूर देखें। एड आ रही, इसको मैं हटा के स्किप करता हूँ। तो आप इस तरीके से मैंने अपने चैनल का वीडियो चला रखा है, तो अब मैं इसकी वॉल्यूम को करता हूँ लाउड और आपको कितना हेल्पफुल होगा आप देख सकते हैं। आपके दोस्तों बहुत सारे, जिनमें से हमने कुछ 5 क्वेश्चन कि क्या वीडियो क्वालिटी कैसी है, इस लैपटॉप को हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए परचेज कर सकते हैं या नहीं। सेकंड क्वेश्चन जो आया था साउंड क्वालिटी से रिलेटेड, तो इसकी बात करूं मैं रेंज की, तो इसकी रेंज भी अच्छी है, ये अराउंड 5 to 6 मीटर की दूरी से भी आपके ब्लूटूथ को कनेक्टिविटी को कनेक्ट कर लेता है। अब मैं आपको इसमें जो आपको मैंने म्यूजिक तो चला के दिखा दिया, मैंने आपको ब्लूटूथ के थ्रू रेडियो भी चला के दिखाया और सारे गामा वाला भी चला के दिखाया म्यूजिक। अब आपको मैं पेन ड्राइव से गाना चला के दिखाता हूँ, मेरे पास ये पेन ड्राइव है। तो उसको आपको करना क्या होता है, जो आप पेन ड्राइव से आप अपने गाने लोड कर लीजिए जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आप चलाना चाहते हैं, और यहाँ पे USB का है, आप यहाँ पे इसको पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिए। मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको अब मैं ऑन कर देता हूँ रेडियो को, तो आप देखेंगे तो इसमें म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी म्यूजिक चल रहा है ये आपके पेन ड्राइव से चल रहा है, और यहाँ से आप इसके ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो लो वॉल्यूम पे इतनी वॉल्यूम आती है, और आपको मैं हाई करता हूँ और आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है स्पीकर की, जिसके अंदर स्पीकर लगा होता है। तो
आपको आइडिया लग चुका होगा इसके स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। और आपको मैं बता दूं इसके अंदर जो स्पीकर लगा है उसकी क्वालिटी बहुत ही A1 क्वालिटी का है, इसलिए आप इसकी बीट में बेस को महसूस कर पाएंगे। अगर आप कल उसको परचेज करते हैं आपको ट्रेबल के साथ साथ आपको बेस का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो इस तरीके से यह है कारवा का, ये कारवा का रेडियो मिनी वाला। तो ये है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कारवा के मिनी रेडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम इसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए हम लेटेस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते रहें।